हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि मेरा एयर फोर्स एक्स वाई ग्रुप का स्पेशल इंग्लिश का मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है, जो आपके लेटेस्ट आने वाले एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे फ्रेंड्स। अगर आप लोग वीडियो को ओपन कर ही दिए हैं तो आप लोग इस वीडियो से कुछ बेनिफिट लेकर ही जाइएगा, अन्यथा पहले ही मत भाग जाइएगा कि अरे अच्छा नहीं है खराब नहीं, पहले ही मत जज कीजिए। आप लोग पहले वीडियो को लास्ट तक देखिए और उसके बाद सोचिए कि हमको कुछ सीखने को मिला या नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग को क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद अगर नहीं हो पाता आपसे तो आप हम जो आपको बताते हैं उसको सुनिएगा ध्यान से और समझिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड्स, ये आपका एरर डिटेक्शन से है। क्या कह रहा है? मेनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हेयर परमानेंटली। अब यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में। अगर आप लोग मेरा रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आप लोग इसे तुरंत ही सोल्व कर लेंगे। क्या कर रहा है? मेनी अ मैन, क्या आया हुआ? मेनी अ मैन और इसके साथ क्या आया हुआ? हैव आया हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को हम पहले एक रूल दिखाएंगे। अगर आप लोग पहले रूल को देख लीजिएगा तो क्वेश्चन को खुद ब खुद सोल्व कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग के सामने एक रूल आ रहा है। ये देखिए, आप लोग के सामने एक रूल आ गया है। क्या लिखा हुआ रूल में? इच समवन नो वन एवरी एनी वन वन एनी बडी एवरी वन एनी बडी मेनी। आपका देखिए क्वेश्चन में मेनी आया हुआ है, समबडी मोर देन वन। अगर ये सभी वर्ड्स आपको कोई भी सेंटेंस में देखने को मिले फ्रेंड्स, तो आप लोग उसके साथ नाउन और प्रोनाउन का यूज करते हैं, सिंगुलर करते हैं। तो देखिए, ए मैन आपका कैसा है? ये आपका सिंगुलर है, ये तो आपका ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए, हम लोग जो वर्ब का यूज करते हैं फ्रेंड्स, वो भी आपका सिंगुलर करते हैं। अब देखिए, ये आपका वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं? हैव जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, और कम क्या है? कम आपका मेन वर्ब है। लेकिन हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों क्या चाहिए? दोनों ही हमको सिंगुलर चाहिए। तो कम आपका तो सिंगुलर है, बट आपका जो हैव है फ्रेंड्स, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब कर लीजिए या एक्जुलरी वर्ब कर लीजिए, दोनों एक्जुलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक ही होता है। तो हैव कैसा है फ्रेंड्स? हैव आपका प्लूरल है। तो हम लोग को रूल के अकॉर्डिंग टू रूल देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमको यहाँ पे किसका फिल करना होगा? हैव के स्थान पे हैज का फिल करना होगा। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी में एरर था। अगर फ्रेंड्स आप लोग को, आप लोग से कहा जाए कि हम ईच के साथ यहाँ मेनी ए के जगह मेनी ए ऑफ का यूज करते हैं, मेनी ए ऑफ का यूज करते हैं, तो तब हम नाउन और वर्ब का यूज कैसे करते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मेनी ए के साथ ऑफ का यूज कर दिया था, ऑफ का यूज कर दिया था, तो हम यहाँ पे जो नाउन और प्रोनाउन है फ्रेंड्स, इसको सिर्फ प्लूरल करते हैं, बाकी जो मेरा वर्ब और एडजेक्टिव है वो मेरा सिंगुलर ही रहता। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। नहीं समझे हैं कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वीडियो में न रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी के रिगार्डिंग है आप लोग को। चलिए, आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पे क्या किया फ्रेंड्स, इच ऑफ कर दिया है। हम क्या बोलते थे? ऑफ लगा देगा मेनी ए के साथ, इच के साथ लगा देगा, एवरी के साथ लगा दिया, लगा देगा वन के साथ लगा देगा। तो हमको उसके साथ क्या करना है फ्रेंड्स? नाउन और प्रोनाउन जो होगा उसको सिर्फ प्लूरल करना है, और जो मेरा वर्ब और एडजेक्टिव रहेगा वो मेरा ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इच ऑफ हिज सिस्टर, सिस्टर क्या है फ्रेंड्स? तो आप लोग बोले सर, सिस्टर तो मेरा नाउन है, और इस सिस्टर कैसा है? सिस्टर आपका सिंगुलर है। अब हम लोग को क्या करना है फ्रेंड्स, हम लोग को ईयर यहीं पे मिल गया, तो सिस्टर को क्या करना है? सिस्टर को हम लोग सिस्टर में एस लगा देंगे, यानी सिस्टर को प्लूरल बना देंगे। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ देखिए वर्ब क्या है, ये वर्ब क्या है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब है, और मेन वर्ब क्या है? ये एक्जुलरी वर्ब है। क्या एक्जुलरी वर्ब आपका क्या है? एक्जुलरी वर्ब आपका सिंगुलर है, और मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब आपका वर्किंग है। तो ये वर्किंग क्या है फ्रेंड्स? वर्किंग आपका वी फोर है, तो ये ना तो सिंगुलर होता है ना तो प्लूरल होता है, तो इसको तो देखना ही नहीं। अब हम लोग को किसको देखना है? वॉज को देखना है। तो वॉज मेरा कैसा है? सिंगुलर है, अकॉर्डिंग टू रूल ये मेरा सही है। देखिए आपका रूल में क्या कर रहा था, आपका रूल में कह रहा था वर्ब मेरा सिंगुलर रहेगा, अगर ईच और एवरी के साथ ऑफ भी लग जाता है तो। देखिए इसका भी रूल आप लोग के सामने आ गया है, अगर कोई वर्ड ईच ऑफ आया रहे, एवरी ऑफ आया रहे, वन ऑफ आया रहे, एनी ऑफ आया रहे, एवरी वन ऑफ आया रहे, आइदर ऑफ आया रहे, नाइदर ऑफ आया रहे, तो उसके साथ हम लोग नाउन और प्रोनाउन का यूज कैसा करते हैं? प्लूरल करते हैं। और वर्ब का यूज कैसा करते हैं फ्रेंड्स? तो ये मेरा सिंगुलर होता है, और एडजेक्टिव भी मेरा ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। ओके, आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। यहाँ देखिए ईच ऑफ यहाँ भी था और यहाँ भी था। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग बेशक होकर कमेंट कीजिए, मेरा कमेंट बॉक्स में आप लोग को 100% रिप्लाई मिलेगा। अगर आपको रिप्लाई नहीं देंगे तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिसलाइक करिएगा, जो मन होगा गाली दीजिएगा, जो मन होगा कीजिएगा, अगर आपको हम रिप्लाई नहीं देंगे तो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट मच ऑफ हर
नोट मच ऑफ हर वर्क वेयर वाई द टीम नो एरर। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले फ्रेंड्स आप लोग को हम एक रूल दिखाना चाहते हैं। देखिए आप लोग के सामने एक रूल आ गया है, रूल को पढ़ते हैं। अगर किसी वाक्य में लिटिल, द लिटिल, ए लिटिल, मच या नोट मच आया रहे तो उसके साथ हम और उसके साथ ऑफ का प्रयोग किया रहे। अगर किसी वाक्य में लिटिल, द लिटिल, ए लिटिल, मच या नोट मच आया रहे और उसके साथ ऑफ का प्रयोग किया रहे तो हम लोग उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर मेन वर्ब और सिंगुलर नाउन का प्रयोग करते हैं। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोट मच ऑफ हर, यहाँ तो ठीक है, वर्क वेयर वाई द टीम। अब आप लोग देखिए फ्रेंड्स एरर कहाँ है, आप लोग ऑप्शन नंबर बी में गौर कीजिएगा। फ्रेंड्स ये जो वेयर है आपका कैसा है, तो आप लोग कहेगा सर वेयर तो मेरा प्लूरल है और अकॉर्डिंग टू रूल मेरा क्या है। फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग यहाँ वेयर के जगह वॉज का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपका एरर हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, वॉट मेक पीपल एंग्री और टेंस इज एक्चुअली ए मिस्ट्री Which is difficult to explain no error। अब आप लोग यहाँ गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ दो सेंटेंस है, एक what make people angry और क्या, और आपका क्लाउज है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। टेंस इज एक्चुअली ये मिस्ट्री विच इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, ये आपका एक सेंटेंस हो गया और आपका एक सेंटेंस ये हो गया, और क्या कर रहा है फ्रेंड्स, और आपका दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। हाँ, अगर आप लोग मेरा वीडियो रोज देखते होंगे और सभी वीडियो को वॉच करते होंगे तो आप लोग को पता होगा अगर कोई दो सेंटेंस को और एंड दैट या फिर कॉमा और एंड डैट या फिर कॉमा अगर कोई दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करे तो दोनों सेंटेंस एक ही टेंस में होता है, दोनों सेंटेंस का जो सेंस आता है फ्रेंड्स दोनों सेंटेंस एक ही सेंस में होता है। अब हम लोग को देखना है कि ये सेंटेंस मेरा कौन सा है, व्हाट मेक पीपल एंग्री। आप लोग समझ रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये मेक जो है आपका भीवन है, लेकिन ये मेक भीवन नहीं है फ्रेंड्स, ये मेक आपका भीतरी है। मेक मेक मेक्ड मेक क्या होता है, मेक मेड मेक होता है। ओके आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए टेंस इज एक्चुअली, यहाँ पे क्या हुआ है, इज आया हुआ है। अब इज क्या है फ्रेंड्स, इज आपका कौन सा टेंस में आता है, तो आप लोग बोले सर इज आपका प्रेजेंट टेंस में आता है। क्या आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है। अब यहाँ पे क्या फील होगा फ्रेंड्स, मेक के साथ क्या फील होगा, पीपुल अपने साथ कौन सा वर्ब का यूज करेगा, तो आप लोग कहेगा सर पीपुल तो अपने साथ V5 का यूज करता है, क्योंकि पीपल आपका कैसा है, पीपल आपका है थर्ड फॉर्म का सिंगुलर नंबर, यानी पीपल आपका कैसा है फ्रेंड्स, ये आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर अपने साथ किसका यूज करता है, ये अपने साथ V5 का यूज करता है। इसलिए हम मेक की जगह क्या होगा फ्रेंड्स, मेक्स होगा आपका, ये 100% रॉन्ग था, इसलिए हम आप लोग मेक की जगह मेक्स कर लेंगे, आप लोग का राइट हो जाएगा। ओके आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका सिनोनियम पूछ रहा है, किसका सिनोनियम पूछ रहा है, स्कॉर्न का आपको सिनोनियम पूछ रहा है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि स्कॉर्न का सिनोनियम क्या होगा। सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेंड्स कि स्कॉर्न का हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। तो स्कॉर्न का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, स्कॉर्न का हिंदी होता है आपका तिरस्कार करना या फिर अपमान करना, और इसका जो सिनोनियम होगा, इसका सिनोनियम क्या होगा, मौकरी। मौकरी मतलब क्या होता है, मौकरी मतलब ये होता है अपमान करना या तिरस्कार करना या फिर हंसी उड़ाना। बात कर ले अप्रूवल का हिंदी क्या होता है, तो अप्रूवल का हिंदी होता है स्वीकृति प्रदान करना। डिलाइट का हिंदी क्या होता है, तो डिलाइट का हिंदी होता है आनंद। एंड प्लेजर का हिंदी क्या होता है, प्लेजर का हिंदी भी होता है आनंद या फिर खुशी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्कास्टिक। क्या है सार्कास्टिक, सार्कास्टिक का आपको सबसे पहले हम हिंदी बताते हैं कि सार्कास्टिक का हिंदी क्या होता है। सार्कास्टिक का होता है उपेक्षापूर्ण, जो किसी का उपेक्षा करता हो, जो घमंडी टाइप का रहता है, उसे क्या कहते हैं, सार्कास्टिक कहते हैं। इसका आई होप कि आप लोग इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब क्या होता है, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। काइंड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, काइंड का मतलब होता है दयालु। नाइस का मतलब होता है अच्छा। एंड अप्रूव्ड का मतलब वही होता है, स्वीकृति प्रदान करना। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका सेम रूल का है, जो अभी हम कुछ देर पहले आप लोग को रूल करवाए थे कि मच के पर मच, लिटिल, द लिटिल, आपको याद आ गया, मच, द लिटिल और लिटिल के साथ किसका यूज करते हैं, तो आप लोग कहेगा सर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं अगर उसके साथ ऑफ लगा रहे, मच रहे, द लिटिल रहे, लिटिल रहे और उसके साथ ऑफ लगा रहे, तो उसके साथ कैसा वर्ब का यूज करते हैं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं। अब बात रह गई फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग हैज का यूज कीजिएगा या इज का यूज कीजिएगा, दोनों आपका सिंगुलर है,
और हैव क्या है फ्रेंड्स, हैव आपका प्लूरल है और आर आपका प्लूरल है, दो ऑप्शन तो इलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे दोनों में से किसका प्रयोग करिएगा। अब आप लोग यहाँ क्वेश्चन को पढ़िए फ्रेंड्स, मच ऑफ मनी बीन वेस्टेड ऑन दीज आइटम्स। यहाँ देखिए फ्रेंड्स बीन आया हुआ है, क्या आया हुआ है, बीन आया हुआ है। तो बीन हम किसके साथ बजाते हैं फ्रेंड्स, आप लोग को याद होगा बीन हम किसके साथ बजाते हैं, हैव या फिर हैज के साथ बजाते हैं। लेकिन हमको यहाँ हैज का प्रयोग करना है इसलिए हम हैज के साथ बजाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नोट ओनली द डॉक्टर फिल इन द ब्लैंक्स, द नर्सेस वेरी काइंड टू द पेशेंट्स। अब यहाँ पे आपको फिल करना है बट ऑल्सो या फिर इज का फिल होगा, नाइदर नॉर का, नाइदर और का फिल होगा, बट और आर का फिल होगा, बट ऑल्सो और आर का फिल होगा, किसका फिल होगा। आप लोग को सबसे पहले इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लिए होंगे, कितने लोग सोल्व कर लिए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कई बार करवा चुके हैं। नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को पहले हम एक रूल दिखाना चाहते हैं जिससे आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। देखिए आप लोग के सामने एक रूल आएगा, आप लोग के सामने देखिए फ्रेंड्स एक रूल आया है, आप लोग के सामने देखिए फ्रेंड्स एक रूल आ गया है। क्या है, नीदर के साथ हम किसका यूज करते हैं, नॉर का यूज करते हैं, इधर के साथ किसका यूज करते हैं, और का यूज करते हैं, नोट ओनली के साथ किसका यूज करते हैं, बट ऑल्सो का यूज करते हैं, नन के साथ किसका यूज करते हैं, बट का यूज करते हैं, और जो हम वर्ब का यूज करते हैं फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट का मतलब क्या होता है, जो नजदीक वाला सब्जेक्ट हो। अब हम लोग को देखना है कि नोट ओनली कहाँ पे बट ऑल्सो का प्रयोग होगा, कहाँ पे कहाँ पे मेरा नौ वर्ब का प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ क्या बीच में आता है सब्जेक्ट, नीदर नॉर के बीच में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ देखिए नॉट ऑल नॉट ओनली है, तो नॉट ओनली के बाद देखिए सब्जेक्ट है। अब इसके पहले हम किसका यूज करेंगे, बट ऑल्सो का यूज करेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट ये हो गया और एक सब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट के पहले नॉट ओनली और ये सब्जेक्ट के पहले बट ऑल्सो, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स अब बट ऑल्सो का तो प्रयोग करेंगे इतना हमको पता हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बात रहेगी हम इज का प्रयोग करेंगे या आर का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग को क्या देखना है फ्रेंड्स कि द नर्सेस आपका सिंगुलर है या क्या प्लूरल है। तो आप लोग कहेगा सर द नर्सेस आपका प्लूरल है, तो प्लूरल अपने अकॉर्डिंग इज का यूज करेगा या आर का यूज करेगा। तो आप लोग कहेगा सर प्लूरल अपने अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का यूज करेगा, दैट मींस आर का यूज करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग के सामने और आ रहा है फ्रेंड्स, आप लोग इसको सोल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, हम कल फिर बताएंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर हमको इसके बारे में नहीं आएगा, हम कल फिर बताएंगे इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे भी रूल है, आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थेराइब है, थेराइब का क्या बताना है, इसका एंटोनियम बताना है। सबसे पहले इसका हिंदी आंसर, इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है फ्रेंड्स फलना फूलना, क्या होता है फलना फूलना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा फेल, फेल मीन्स क्या होता है असफल होना, और थ्राइब मीन्स क्या होता है फलना फूलना यानी सफल होना। एराइव का हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स, एराइव का होता है पहुंचना, एंड डेवलप का होता विकास करना, यानी इसका ये सिनोनियम हो गया, एंड साइन का हिंदी क्या होता है, साइन का होता है चमकना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एंटोनियम से, वही एंटोनियम मतलब ईगर का आपको एंटोनियम बताना है। अब ईगर का हिंदी क्या होता है, पहले ईगर का हिंदी जानिए, ईगर का हिंदी होता है फ्रेंड्स उत्सुक, क्या होता है उत्सुक, और इसका जो एंटोनियम होगा ऑप्शन नंबर ए डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड का हिंदी क्या होता है, डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है अनउत्सुक, क्या होता है अनउत्सुक। डिजायर का मतलब क्या होता है, डिजायर का मतलब होता है इच्छा। रेस्टलेस का मतलब क्या होता है बेचैन, एंड जेलस का मतलब आप लोग सभी को जानते होंगे, जेलस का मतलब होता है ईर्ष्यालु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फ्रेंड द नाउन फॉर्म ऑफ साइलेंट, साइलेंट का आपको नाउन फॉर्म बताना है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, साइलेंसी, साइलेंटनेस, साइलेंस या साइलेंटी। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नाउन का सॉरी साइलेंट का नाउन फॉर्म क्या होता है, साइलेंट का नाउन फॉर्म होता है साइलेंस। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड द सुटेबल प्रीफिक्स ऑफ द वर्ड प्योर, प्योर के पहले आप लोग को प्रीफिक्स लगाना है। अब आप लोग को हम समझाते हैं कि आखिर प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। जैसे मानिए एक आपका वर्ड लिखा हुआ है, जो वर्ड के पहले लगता है, जो वर्ड के पहले लगता है वो क्या होता है, वो प्रीफिक्स होता है, और जो वर्ड के बाद में लगता है वो क्या होता है, वो आपका सफिक्स होता है। लेकिन हमको क्या लगाना है, प्रीफिक्स लगाना है। तो ऐसा कौन सा प्रीफिक्स लगाएंगे कि एक सुटेबल वर्ड बन जाए। तो देखिए फ्रेंड्स इसके पहले हम आई एम का यूज करेंगे, इम्प्योर, इम्प्योर का मतलब क्या होता है, इम्प्योर का मतलब होता है अशुद्ध, और प्योर का मतलब क्या होता है शुद्ध होता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कर रहा है फ्रेंड, चेंज चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपका डायरेक्ट में है, इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब हमको आपको हम क्या बताते हैं फ्रेंड्स, यहाँ देखिए सेड टू आ रहे तो इसमें टेंस में चेंजेस होगा। तो यहाँ देखिए सेड टू आ रहा है, सेड टू के बदले क्या होगा टोल्ड लगा, आप लोग सभी को पता है, और चारों ऑप्शन में टोल्ड दिया हुआ है।
अब हमको इससे तो फाइंड आउट नहीं होगा, अब हमको ये रिपोर्टिंग वर्ब देखना है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो मेरे सामने दिया हुआ है ये कौन सा टेंस में है। तो आप लोग कहेगा सर ये रिपोर्टिंग वर्ब तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, यानी जो यहाँ हैज गोइंग है इसके जगह क्या आएगा, हैड गोइंग आएगा, क्या आएगा, हैड गोइंग आएगा। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स थोड़ा सा इरर हो गया था, यहाँ हैज बीन होना चाहिए था, यहाँ हैज सिर्फ हैज लग गया था। ये आपका कौन सा टेंस है फ्रेंड्स, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इस ये किस में चेंज होगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। अब देखिए आपका यहाँ पर हैज बीन गोइंग है तो हैज बीन गोइंग की जगह क्या आएगा, हैड बीन गोइंग आएगा। अब हमको देखना है कि हैड बीन गोइंग किस में है, तो आप लोग कहेगा सर ऑप्शन नंबर ए में मेरा हैड बीन गोइंग है इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। लेकिन देखेगा फ्रेंड्स यहां पे लगता है कि पूरा ऑप्शन ही गलत है, आप लोग को समझा देते हैं क्या हुआ। यू है, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आप लोग कहेगा सर यू तो आपका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या, ऑब्जेक्ट आपका मी है, तो मी के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आना चाहिए, मी के अकॉर्डिंग यहां पे आई आना चाहिए। अगर यहां पे आप लोग आई कर लीजिएगा तो ये मेरा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी एरर हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है डज ही हेल्प यू, इसको चेंज करना है पैसिव से एक्टिव वॉइस में। अब यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, डज आया है तो डज आपका कौन सा टेंस सेंटेंस है, ये डज को देखते हैं हम लोग को पकड़ना है कि ये प्रेजेंट का मेरा इंट्रोगेटिव है, तो अब प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव है यानी इसके जगह क्या आएगा, आर आएगा, पैसिव में बनाते समय आर आएगा या फिर इज आएगा। अब हम लोग को देखना है कि आर या इज किस में आया हुआ है, तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में आर या इज आया हुआ है और उसके साथ भी3 आया हुआ है, ये मेरा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, वन हु वॉक्स इन स्लीप, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका वन वर्ड है, वन हु वॉक्स इन स्लीप मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो नींद में चलता हो, जिसे नींद में चलने की बीमारी हो, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, सोमनाम्बुलिस्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, सोमनाम्बुलिस्ट। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसे एक लाइक कर दीजिए एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी तक आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग से जहां तक हो संभव हो सके वहां तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।